पे जो मंदिर की बत्तियां वत्तियां रहती है ना, तो यहाँ पे भी मुझे डालने के लिए कहीं कुछ नहीं मिला, तो इस पॉट पे जला दी मैंने। फिर राख ही राख रह जाएगी तो किसी पेड़ के नीचे डाल देंगे, तो ऐसे जला दिया मैंने इसे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ यहाँ पे। तो मेरा काम निपट गया है और 11:30 हो गए हैं अभी, और धूप इतनी तेज़ लगी हुई है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे कि फ़ैन भी 5 पे चल रहा है तब भी पसीना ही आ रहा है। बिना कूलर के यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। अब तो अभी मैंने दाल बनाने के लिए रख दी है, आज शॉर्टकट ही बना रही हूँ मैं दाल को, कुछ खास नहीं बना रही हूँ आज, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत हो रही है और मन भी नहीं कर रहा कुछ भी करने का, और ना डिहाइड्रेशन टाइप का इतना ज़्यादा हो रहा है मुझे कि मतलब होंठ भी सूख रहे हैं, और ये पिंपल्स देख रहे हो आप मेरे फेस पे, कितने पिंपल्स हो रहे हैं, दाने दाने हुए हैं पूरे फेस पे गर्मी की वजह से। तो बाहर अभी 11:30 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि जैसे दिन के 3-3:30 हो रहे होंगे, ऐसी हालत हो रखी है बाहर पे। और अब इतने बोरियत भरे दिन आ रखे हैं ये वाले कि ना हम कहीं जा सकते हैं, ना कहीं बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं। अभी तक तो चलो सर्दियों में ये था कि हम छत में चले जाते थे और छत में टाइम पास हो जाता था, लेकिन अब वो वाले दिन नहीं है। ऊपर से यहाँ पे मच्छर इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि मतलब यहाँ हल्द्वानी के जो मच्छर हैं ना, वो भी अलग ही टाइप के मच्छर हैं, मतलब 4 मच्छर होगा एक मच्छर समझ लो आप। तो जगह जगह पे ना इतने गुच्छे गुच्छे लगे हुए हैं मच्छरों के कि मतलब ना ऑल आउट से मर रहे हैं, और मैंने अभी हिट भी डाला था तो हिट से भी नहीं मर रहे हैं ये मच्छर। तो आप लोग बताइएगा यार कि कैसे जाएंगे ये मच्छर, जबकि साफ़ सफाई भी मैं इतनी करती हूँ कि गंदगी रहने का कोई सवाल ही नहीं होता है, तब भी पता नहीं कहाँ से इतने मच्छर लग रहे हैं। कल रात भर भी मच्छरों ने काट काट के ना मेरे तो हाथों पे भी ऐसे हो गए हैं, ये देख रहे हो आप, पूरे इतने काट रखा, दूसरा हाथ भी मेरा ऐसे बना हुआ है, तो मतलब डेंगू ही हो जाएगा यहाँ पे, इतने मच्छर हो रहे हैं, अगर केयर नहीं की तो सच में ही हो जाएगा डेंगू। तो फिर इसी वजह से मैंने फिर बाहर की धुलाई भी करी उन बरामदों की, क्योंकि वहाँ पे भी मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी और वो मच्छर फिर पता नहीं आ भी कहाँ से रहे अंदर। वैसे तो सारे चारों तरफ से जाली लगी हुई है यहाँ पे कि आपकी सिटीज़ में किस टाइप से हो रही है गर्मी, कितनी कितनी गर्मी हो रही है, और पहाड़ों वाले तो खुश हो रखे होंगे कि अभी गर्मी नहीं हुई है, अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अभी। अब लेकिन ना पहाड़ों में भी गर्मी होने लग गई है, जैसे पहले होता था ना कि यार पहाड़ों में लोग 12 महीने स्वेटर पहनते थे, लेकिन अब वो वाला मौसम नहीं है पहाड़ों में भी, सब जगह गर्मी होने लग गई है, अब धूप ही इतनी तेज़ हो रही है। तो चलिए फिर करते हैं आगे का काम, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये दूध एक्स्ट्रा बच गया है मेरे पास, तो इसी में मैं दही जमा दूंगी थोड़ी सी, और मैंने पहले जो परसों दही जमाई थी वो दिखाती हूँ मैं आपको, वो कितनी अच्छी जमी है। तो ये है वो दही जो मैंने परसों जमाई थी, पानी बिल्कुल भी नहीं है इस दही में। तो होता ये है, दूध की क्वालिटी अगर अच्छी हो ना तो अच्छा ही जमता है। जैसे आप कभी पैकेट वाला दूध लेके आओगे मार्केट से तो उसकी दही भी बहुत अच्छी जमती है, तो ये दूध भी प्योर दूध है, तो इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी दही जमी है और मलाई भी इसमें बहुत अच्छी आती है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा लग रही है ना मार्केट जैसे दही की तरह। तो इसमें मैं 1 चम्मच डाल दूंगी, 1 या 1.5 चम्मच बस इतना ही डालना है, और इसे ना फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है।
मतलब फेंटना है इसे। तो ये फेंट दिया है मैंने, अब हम इसे जमाने के लिए रख देंगे ढक के। बस बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। तो दूध में मोटी मलाई लाने के लिए आपने क्या करना है, जब दूध में उबाल आएगा ना, तो इस उबाल को फूंक मार के आपने कम करना है। तो 2-3 बार आपने इसी तरीके से फूंक मार मार के दूध को उबालना है। तो इस तरीके से उबालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट के लिए दूध को इस टाइप से पकने देना है। तो दूध अब ये उबल गया है, तो अब हम इसे बंद कर देंगे और अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा पैन, तो उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कल कि कितनी मोटी मलाई जमी है इसमें। तो दाल के साथ लंच में बन रही है बंद गोभी की सब्जी। तो दोस्तों लंच रेडी है, दाल चावल और बंद गोभी की सब्जी। तो बस यही है आज का लंच, हैप्पी हेल्दी लंच। तो गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।